अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी जाएंगे हम लोग वृंदावन और मथुरा, वहाँ पे घूमेंगे। इंदौर का सफ़र काफ़ी अच्छा था, ये एयरबीएनबी काफ़ी अच्छा है। यस आई एम हेल्पिंग यू, मैं हेल्पिंग यू। वही लोग काफ़ी अच्छे थे, मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ अभी जाने के टाइम। स्टार्ट करते, ये मेन बेडरूम है हमारा, इसके साथ एक अटैच बाथरूम है और ये है स्टोरेज की भी एक जगह है, टीवी। और हाय गाइस, ये है किचन, ये है दीदी, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। अगर आप लोगों में कोई भी आप आते हो, दीदी के हाथ का खाना जरूर खाना। आपका नाम बता दो दीदी। सुलोचना दीदी, आप जरूर खाना, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। ये तो आपको पता ही है कौन दोनों है। ये एक और रूम है, ये भी देख लीजिए। इसमें इस रूम में अटैच बाथरूम नहीं है, उसके साथ ये कॉमन बाथरूम है और ये है ड्राइंग रूम। अभी हम लोग निकल रहे हैं ना, तो हालत थोड़ी सी ख़राब है। और ये वाला है एक और रूम, ये भी किंग साइज बेड है, स्टोरेज है, इसमें भी टीवी है और यहाँ पे एक बाथरूम है। यहाँ पे आपको मिलेगा टेरेस, शायद अभी बंद है, हमने बंद कर रखा है। तो यहाँ पे टेरेस है, यहाँ पे भी एक मिरर है। हेलो, तो चलिए अभी चलते हैं। टेरेस गार्डन, इस जो रूम आपको दिखाया था ना, उस रूम के साथ ही ये टेरेस गार्डन है। काफ़ी अच्छा व्यू है और ठंडी हवा भी मिलती है। हाँ, आप लोग यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। लिफ्ट नहीं है बट सीढ़ियाँ है अच्छी, तो आप लोग आराम से आ सकते हो। और यहाँ से महाकाल का मंदिर भी बहुत सामने है। महाकाल जी के मंदिर में अगर आपको जाना है, 3 से 4 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप आराम से जा सकते हो। तो मेरी अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो बाद में बात करते हैं। कैब आ चुका है, नीचे जाती हूँ मैं और फिर बात करते हैं। उज्जैन से वृंदावन जाने में लगता है 13 से 14 घंटे। रास्ते में ना एक इंसिडेंट हो गया, रोड में जो पुलिस रहते हैं ना, वो एमपी के पुलिस ने हमें गाड़ी रोकने के लिए कहा था साइड में, फिर ड्राइवर को बुलाया, फिर उन्होंने सारे पेपर्स वगैरह मांगे, फिर संबित भी गया, फिर वो लोग ना 5,000 ब्राइव मांग रहे थे। उनका कहना है कि आप ऐसे टूरिस्ट लेके जा रहे हो बट आपके वो येलो कलर का लाइसेंस प्लेट नहीं है, आपका व्हाइट कलर का है। फिर हमने बताया कि हमने लास्ट मोमेंट ऐसे किया था क्योंकि हमारी ट्रेन पे बुकिंग थी बट वेटिंग लिस्ट में था हमारा ट्रेन का टिकट, तो ऐसे तो हम जा नहीं सकते थे, इतनी लॉन्ग जर्नी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने लास्ट मिनट कैब बुक करवाया था। ये सब कुछ बताने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं गई, मैंने उन लोगों को समझाया कि देखिए बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी है, ये गरीब इंसान ड्राइवर कहाँ से ही देगा इतना पैसा। फिर लास्ट में जाके उन लोगों ने 500 रुपए लिया। फिर उन्होंने बताया कि सामने जाके बोल देना कि वाटर टैंक वाले चौके में हम लोगों ने 500 रुपए दे दिया है ऑलरेडी। तो मैंने बोला रिसीट नहीं दोगे? बोले इतने कम पैसे का क्या ही रिसीट देगी, मतलब ये ब्लैक मनी है, सब लोग ना ये सब चीजें बहुत करते हैं। और हम लोग यहाँ पे वृंदावन के आश्रम में पहुंच चुके हैं, 12:30 बजे ये लोग लंच सर्व करते हैं और लंच भी हम लोगों ने खा लिया है। गुड इवनिंग, लोग अभी वृंदावन में हैं और वृंदावन में हम लोग रुके हैं काठिया बाबा जी के आश्रम में। और ये हमारा रूम है, मैं दिखा देती हूँ आपका टेरेस, और ये हमारा रूम है, बहुत ही सिंपल सा रूम, और ये बाथरूम है, वो छोटा सा मिरर है। हाय, सादा सिंपल रूम है, आश्रम का रूम है तो इसीलिए ऐसा है। 2 मिनट की दूरी पे बाकी बिहारी जी का मंदिर है, बंदर है, हर जगह बंदर है, फेमस वृंदावन मथुरा के बंदर। तो अभी हम लोग थोड़ा निकलेंगे, अभी 8:15 बज रहे, तो थोड़ा लेट हो चुका है। सारे मंदिर वगैरह सिर्फ 15 मिनट के लिए ही खुले होंगे, तो वही देख के आ जाते हैं थोड़ा सा, कल से हम पूरा घूमेंगे। वाला रूम है, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरी मम्मी उस रूम में रहेंगी। और यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ऊपर पूरे जाले हैं क्योंकि सुबह के टाइम आप अच्छे से देख पाओगे क्योंकि बंदर आ जाते हैं। और यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो, ये देखिए। देखा क्या आप लोगों ने, ये महारानी बैठी हुई है अपनी बीवी के साथ। ये मंदिर है। अभी हम निकले हैं वृंदावन की फेमस चाट कचौड़ी और लस्सी ट्राई करने के लिए। ये वाला जो दुकान है ना, इसकी लस्सी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमने और भी 4-5 जगह से लस्सी ट्राई किया है, बाकी बिहारी के सामने और बहुत सारे दूसरे जगह पे, पर इस वाले दुकान की जो लस्सी है ना, वो मतलब एकदम मस्ट ट्राई है। बता दो, किशोरी चाट भंडार।
फिर हम चले गए गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ पे संबित और मेरे ससुर जी के गाल पे गुलाल लगा के गए कुछ लोग, क्योंकि होली के टाइम पे हम आए थे तो ये गुलाल वगैरह तो चल ही रहा था बाकी बिहारी में और दूसरे मंदिरों के सामने। गुड मॉर्निंग गाइज, आज डे टू है हमारे वृंदावन जर्नी में और आज ना हम लोग बहुत सारी जगह जाने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी से सुबह 5:30 बजे उठ के रेडी होके एकदम नहा धो के निकल चुकी हूँ अभी बाहर। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंदरों का थोड़ा सा मस्ती चल रहा है। बंदर ना मेरी मदर इन लॉ का चश्मा लेके भाग गया और अभी इन लोगों की नोकझोंक चल रही है। आप भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करती हूँ, मैंने तो लाइफ इंजॉय किया हुआ है ऑलरेडी। और कैसे तैसे उन्होंने चश्मा निकाला है उससे। और ये जो मेरी मम्मी यहाँ पे ज्ञान दे रही है ना, इनका भी चश्मा 2 दिन के अंदर जाने वाला है बंदर के हाथ। राधे, आज हम लोग अभी वृंदावन में हैं, आश्रम से अभी हम लोग निकलने ही वाले हैं। सब रेडी हो चुके हैं, 7:14 बज रहा है टाइम। और चलिए देखते हैं क्या क्या दिखा देख सकते हैं आज। राधे राधे। बाकी बिहारी के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वैसे भी वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है बट होली की वजह से अभी एक्स्ट्रा ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी वहाँ से हम लोग निकल के जा रहे हैं निधि बन, और यहाँ पे अभी फ़ोटो शूट करने के बाद जब हम अंदर जाते हैं इलाके और मेरा फ़ोन लेके भाग जाता है बंदर महाराज। बट वो स्कैरी मोमेंट आने से पहले अभी आप लोग थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए माया के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से शॉट्स। निधि वन, एक्चुअली हम लोग पहुंच चुके हैं निधि वन, तो यहाँ पे अभी हम लोग चप्पल जमा करेंगे उसके बाद जाएंगे दर्शन के लिए। मेरा मोबाइल लेके चला गया था ये बंदर, और 300 रुपये देने के बाद फिर एक जन गए और वो लेके आ गए, वो ऊपर चला गया था। और इतना शैतान है हमारे साथ, जो भी बिस्किट्स वगैरह थे हमें पता है वो ऐसा करेंगे, वो दिया। ये माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन में रासलीला करते हैं शाम के बाद जब सूरज ढल जाता है, तो इसी वजह से इतने सारे जो बंदर आप देख रहे हो ये सब भी यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि किसी को अलाउड नहीं होता है उन दोनों की रासलीला गोपियों के संग जो वो करते हैं वो देखने में। ये सारे जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये ना तुलसी के पेड़ है और ये सारी गोपी सखी है, यानी श्री कृष्ण की जो गोपिया है वो है, और ये सब मिलके फिर राधा रानी और श्री कृष्ण रास करते हैं। और कोई भी अलाउड नहीं है, जिसने भी कोशिश की है ये सब कुछ छुप छुप के देखने की, बहुत जनों ने की है कोशिश, उनका जो बॉडी है वो मिला है बाद में, कभी मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए निधिवन की मान्यता इतनी ज्यादा है।
कहते हैं आप जब भी वृंदावन में आओ, वृंदावन में भीड़ तो रहती ही है, बट होली के टाइम अगर आप आते हो या फिर जन्माष्टमी के समय, तो इन दोनों टाइम में आप एक्स्ट्रा ज्यादा ही भीड़ मिलती है। जो हमने यहाँ पे देखा, आप देखो हर रास्ते और चौराहे में लोग होली खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और पूरे रंगों से भरा हुआ है वृंदावन की गलियाँ। अभी हम लोग जा रहे हैं मथुरा और पहुँचने वाले हैं, जस्ट 2.5 किलोमीटर बाकी है, कृष्ण जन्म स्थान से दूर है हम लोग। और यहाँ पे माहौल का भी देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, सब होली खेल रहे हैं एंड सब कुछ बहुत सुंदर भी है, अच्छा भी लग रहा है। और अभी धूप बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। कैसा लग रहा है? और ये हम लोग मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अंदर बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे, और यहाँ पे श्री कृष्ण का कारागार भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। इसलिए जहाँ पे श्री कृष्ण का कारागार था, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे एक मस्जिद है अभी, बट उन लोगों ने स्टेज किया है कारागार, तो वो आप देख सकते हो। बट आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई कुछ भी, क्योंकि अंदर फोन अलाउड नहीं था। बहुत चेकिंग, लंबे लाइन में खड़े होने के बाद अंदर गए, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। प्रोग्राम करा दे, पंडित जी को आर्मी में।